अक्टूबर में भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसमें नहीं खेलने की बात कहकर पाकिस्तान पहले मुकर चुका है। एक बार फिर पाकिस्तान ने इस तरह की गीदड़ भभकी दी है। पीसीबी के चेयरमैन ने बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह से कहा है कि अगर एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से छीनी जाएगी तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जब जसप्रीत बुमराह टेस्ट टीम में नए नए आए थे तब विराट उनकी गेंदबाजी देखकर काफी इंप्रेस हुए थे। उन्होंने नेट्स में अपनी गेंदबाजी से विराट को हैरान कर दिया था। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन ने अपने बल्लेबाजों को एक खास सलाह दी है। उन्होंने बल्लेबाजों को बताया है कि रविंद्र जडेजा का सामना कैसे कर सकते हैं। वॉटसन ने कहा कि जडेजा की गेंद टर्न होकर तेज गति के साथ आती है और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेल पाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको उनसे बचने की बजाय शुरू से ही रन बनाने की कोशिश करनी होगी। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि उन्होंने आईपीएल के बहुत सारे सीजन को मिस किया। बताना चाहेंगे कि आईपीएल में चेतेश्वर पुजारा भले ही ज्यादा मुकाबले ना खेल पाए हों, लेकिन उन्होंने काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए तमाम लोगों का दिल जीता है। पुजारा ने मात्र 5 आईपीएल सीजन 2010 से 2014 तक ही खेले। मुंबई इंडियंस के पूर्व हेड कोच महिला जयवर्धने ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया को बताया फेवरेट। जयवर्धने ने बताया कि ये एक शानदार सीरीज होने वाली है। इसमें देखना होगा कि एक मजबूत गेंदबाजी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय कंडीशन में कैसे जीत हासिल करती है। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नेथन लायन को ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम गेंदबाज बताया। उन्होंने कहा कि अगर नेथन लायन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो फिर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज हार भी सकता है। कार्तिक ने भारतीय बल्लेबाजों को सलाह देते हुए कहा है कि वो लाइन के ऊपर दबाव बनाकर रखें। पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि टर्निंग ट्रैक पर अगर पहले बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़ा स्कोर बना देती है तो फिर इससे भारतीय टीम के ऊपर काफी दबाव आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सलमान बट ने एशिया कप के वेन्यू पर अपनी राय दी है। बट ने कहा कि एशिया कप एक चाय का कप हो गया है जिसको सभी को दिया जा रहा है। हमें मार्च तक रुकना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सभी के रोक से बाहर है। एसीसी के अधिकारियों ने 4 फरवरी को बहरीन में बैठक की थी। इस मीटिंग में एशिया कप के वेन्यू को लेकर भी फैसला लेना था, लेकिन आखिर में यही फैसला लिया गया कि मार्च महीने में एक और बैठक की जाएगी, उसके बाद ही इस टूर्नामेंट के वेन्यू को लेकर फैसला लिया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत शहर गुलमर्ग में किया जाएगा। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के अंदर गुलमर्ग मीट इस टूर्नामेंट का 3रा सीजन होगा। आपको बता दें कि खेलो इंडिया देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की अहम पहल है। अमेरिका ने उज्बेकिस्तान को 4-0 से हराकर डेविस कप फाइनल्स के ग्रुप स्टेज में जगह बनाई। अमेरिका के राजीव राम और ऑस्टिन क्राइजेक ने सर्जेई फोमिन और संजार फैजीव को 6-2, 6-4 से हराकर जीत पर मुहर लगा दी। इससे पहले टॉमी पॉल और मैकेंजी मैकडोनाल्ड ने ताशकंद में सिंगल्स मैच जीते थे।